आज का हमारा विषय है सफलता के पांच सूत्र। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, कोई भी असफलता नहीं चाहता है। हर पढ़ा लिखा समझदार चिंतक व्यक्ति ये चाहता है कि हमें आज तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, तो वो तो चाहता है कि विश्व का मैं नंबर वन व्यक्ति बनूं, यानी वो सफल होना चाहता। अच्छी बात है, सफल होने की आदमी को जो भावना रखनी चाहिए, उससे हमारा लक्ष्य भी सफलता का प्राप्त होता है। लेकिन मात्र सफलता सोचने से सफलता हासिल नहीं होती है। सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ हमारे टिप्स, कुछ शिक्षाएं हैं, वो हमें पालन करनी होती है। और वो पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं, क्योंकि सफलता से जुड़ा हुआ हमारा व्यक्तित्व, तो हमारा आचार विचार, हमारी सोच, हमारा व्यवहार होता है, तभी सफलता मिलती है। सफलता किसी वस्तु में नहीं है, सफलता धन में नहीं है, सफलता व्यक्ति के व्यवहार में है, व्यक्ति की सोच के अंदर है। तो हमारी सोच कैसे अच्छी बने, हमारे थॉट्स पॉजिटिव कैसे बने, हम दुख में से सुख निकालने की कला कैसे जो है वो कैसे विकसित करें, असफलता में से सफलता कैसे निकालें और कैसे धैर्य रखें, उसके लिए हमने पांच सूत्रों का निर्धारण किया है। वैसे तो सफलता के लिए अनेकों सूत्र हो सकते हैं, लेकिन समय की जो है प्रचुरता जो हमारे पास है, उपलब्धता है, उसके आधार पर हम आज पांच सूत्रों की व्याख्या करेंगे। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया एक साधना है। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि वर्तमान में जीना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, उठने के समय उठना, बैठने के समय बैठना, हर कार्य समयबद्ध करना, यानी समय की पूरी पंक्चुअलिटी करना, टाइम मैनेजमेंट करना, और वह एक समय में दो काम नहीं करना, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है और दो करता तो द्वैत होता है, उसकी जो ध्यान है दो तरफ जो हो जाता है, दोनों तरफ ध्यान होने से वह जो है सक्सेस नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि आधी छोड़ एक को जाए और आधी भी चूक जावे, तो व्यक्ति के पास में हमेशा एक समय के अंदर एक ही काम करना चाहिए, वही भावक क्रिया है, वो दत्तचित्त होके करना चाहिए। जब आप जो है वह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चलते चलते आप 5-10 फुट सामने देखकर चलते हो, इधर उधर बात नहीं करते हो, आपका ध्यान है केवल वॉकिंग में होता है, तो वो गमन योग कहलाता है। वो बहुत बड़ी साधना है। और आप अगर पढ़ते हो और पढ़ने के अंदर दत्त चित्त हो जाते हो, उसके अंदर खो जाते हो, तो स्वाध्याय कहलाता है। और जैसे डॉक्टर है, वह किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, उसके अंदर ही खो जाता है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं हटता है, तो वह एक साधना है। और वह अगर ऐसा नहीं करता है तो मरीज को मार भी सकता है, एक नली की जगह दूसरी नली जोड़ दे या कोई अलग काट दे, यानी सर्जरी गलत हो जाती है। वो ध्यान के द्वारा होती है, एकाग्रता से द्वारा होती है, भाव, उसको हम भावक क्रिया कहते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसा कहा गया है कि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग, कि जो कल चला गया है और आने वाला कल कभी आता नहीं है, जब हम आने वाले कल के लिए कहेंगे तो आज बन जाता है, यानी आने वाला कल कभी आता नहीं है, और जो चला गया वो चला गया, तो इसलिए हमारे सामने केवल एक वर्तमान का क्षण होता है, क्षणम जानी पंडिये, एक क्षण भी जो है वह जो प्रमाद मत करो, और उस क्षण का जो है पहचानो, और वर्तमान के क्षण को जो क्रियान्विति तक पहुंचाओ, वही लक्ष्य और वही भावक क्रिया है। भावक क्रिया करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि हम जो भावक क्रिया करते हैं तो उस भावक क्रिया करने से हमको
क्या निष्पत्ति मिलती है कि भावक क्रिया के साथ साथ में जो हमारा कारमण शरीर है, हमारा जो राग द्वेष का पुतला है, वह राग द्वेष धीरे 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 धुलता रहता है। ये भाव क्रिया की बहुत बड़ी निष्पत्ति है, क्योंकि हमारा ध्यान एक तरफ ही है, और वह ध्यान अगर हमारे आत्मचिंतन की ओर हो, भीतर की ओर मुड़ जावे, तो और ज्ञाता दृष्टा में हम चले जावे, हम जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, उस दृष्टि के अंदर हम चले जाते हैं, तो बहुत फास्ट इससे इस पर हमारा राग द्वेष का ग्राफ गिरता रहता है, कॉजल बॉडी शुद्ध होती रहती है, और कुछ ही भावों में हम जो उस पूरी कॉजल बॉडी को शून्य करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। इतना बड़ा भावक क्रिया का प्रभाव है, और भावक क्रिया करने से हमारे मेंटल पीस रहती है, भावक क्रिया करने से हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन का है, और हमारा श्वसन तंत्र है, और हमारा जो है नाड़ी तंत्र है, और हमारा पाचन तंत्र है, जितने भी ये 10 तरह के हमारे सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र है भीतर है, वो सब भी जो है वो स्वस्थ होते हैं, और भावक क्रिया करने वाला 100 में अवस्थित हो जाता है। 100 का मतलब आत्मा, वो केवल जो है आत्मा के अंदर जाके बस जाता है, और उसी की प्रेजेंस से, उसी की आज्ञा से वो कार्य जो कुछ कर रहा है, उसी के अंदर ही जो है वो मस्त हो जाता है, उसी में ही उसी के अंदर घुल जाता है, मिल जाता है, और उसी के अंदर ही वो एकदम दद चित्त हो जाता है, वो भावक क्रिया है। तो भाई और बहनों, बहुत अच्छी साधना है, और जो लोग भावक क्रिया करते हैं उनको कभी भी कष्ट नहीं होता, उनको कभी भी असफलता नहीं मिलती है, क्योंकि भावक क्रिया करना, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका सारा ध्यान ड्राइव में होगा, आपके कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, और जो बहन गृहिणी है भोजन पका रही है, तो अगर उसका ध्यान केवल भावक क्रिया के जिस पर पकाया जा रहा उसके अंदर है, तो न तो उसकी कोई साड़ी जल सकती है, न कोई अग्नि से उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और न भोजन खराब हो सकता है, क्योंकि जो कुछ वो कर रही है वो ध्यान पूर्वक कर रही है, मनन पूर्वक कर रही है, उसी का नाम जो है हमारा भावक क्रिया है। भावों की क्रिया करना यानी प्रेजेंट के अंदर निवास करना, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है, और ये तो बहुत बड़ी साधना है, ये ऋषि मुनियों की बड़ी साधना है।